आठ नील के स्कोर लाइन के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पॉजिटिव की तरफ देखूं या नेगेटिव की तरफ देखूं। पॉजिटिव तो यही हो सकता है कि इंडिया डेब्यूटांट है इस कंपटीशन में, तो उसके हिसाब से ठीक है, चलता है, एक्सपीरियंस मिलेगा और क्या। लेकिन नेगेटिव की तरफ से मैं अगर देखूं कि दिस टीम हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग प्लेइंग फ्रेंडलीज फॉर द पास्ट 8 मंथ्स, सो मे बी आई कुड हैव एक्सपेक्टेड अ बेटर स्कोर लाइन दैन दिस। एंड आई एम नॉट सेइंग इन नो वे दैट इंडिया शुड बी विनिंग दिस, सो इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग। मैच के बारे में अभी बात करेंगे, उससे पहले लेट मी शो यू दिस हैम्पर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम विनग्रीन्स। जस्ट लुक एट द ट्रेजर दैट आई हैव राइट नाउ एंड यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो आई हैव चटपटा पुदीना, नान चिप्स या फिर टैंगी चीज पीटा चिप्स टू टॉक अबाउट, एंड यू नो हाउ डिलिशियस देयर प्रोडक्ट्स आर। द बेस्ट थिंग इज दे आर मिनिमली प्रोसेस्ड, लोकली प्रोड्यूस्ड, और इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी है वो ये है कि तुम अगर एक बार एक चिप्स का पैकेट खोलते हो, लेट मी शो यू, एक चिप्स का पैकेट खोलते हो और तुम खाना शुरू करते हो, यू विल एक्चुअली रियलाइज हाउ रिच दीज प्रोडक्ट्स आर। एंड अनलाइक अदर चिप्स जो कि तुम खाते रहोगे एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, तभी तुम्हारा पेट नहीं भरता है, इससे ये हो जाता है कि हाँ भाई आई एम सेटिस्फाइड एंड सेशिएटेड। आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब खुशखबरी है, अब आप 25% ऑफ पे ये प्रोडक्ट्स ले सकते हो अगर आप मेरा कोड INDIE25 यूज़ करेंगे। उस चीज़ का लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर हिट कीजिए और साइट पे जाइए उनके, ऑर्डर कीजिए प्रोडक्ट्स जो आपको पसंद हैं, एंड ट्रस्ट मी द टेस्ट द क्वालिटी इज़ गारंटेड। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि इंडिया इस कॉम्पिटिशन में डेब्यू कर रहा है, उनके साथ दो और टीम्स हैं, दो और कंट्रीज़ हैं जो डेब्यू कर रहे हैं। एक है मोरक्को जो कि हमारे ही ग्रुप में है, दैट इज़ ग्रुप ए, और एक और कंट्री है दैट इज़ तंजानिया जो कि इंडिया एंड मोरक्को के साथ डेब्यू कर रहा है। सोचा जाए सिंस मोरक्को भी डेब्यू कर रहा है और उनका मैच आज ही था ब्राज़ील के अगेंस्ट, सिर्फ एक गोल मार पाया ब्राज़ील, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ स्टेटमेंट लॉस दैट आई थिंक मोरक्को हैड। हमारा अगला मैच उन्हीं के साथ है, वो भी डेब्यू कर रहे हैं, हम भी डेब्यू कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग मैच होगा, बट देर इज़ नो वे दैट वी कैन से जो इंडिया ग्रुप में था, जिस ग्रुप में है ब्राज़ील, USA, मोरक्को एंड इंडिया, की ये कहीं से भी ईजी है, क्योंकि USA क्लियरली एक कंटेंडर है टू विन दिस कॉम्पिटिशन। असलम उरान वो झारखंड से बिलोंग करती हैं और वो इस टीम की कैप्टन हैं, और उनके साथ हम पिच पे उतरे ये मैच खेलने के लिए। मैच की शुरुआत तो पता ही थी कि USA एकदम अपर हैंड पे करने वाला है, पूरा पोजेशन उनके पास था, गेम प्ले पूरा उनका था, बिल्डअप पूरा उनका था, कॉर्नर सारे उनके थे, तो एवरीथिंग वॉज देयर्स एंड ऑल वी हैड टू डू वॉज डिफेंड। एंड प्रॉब्लम ये था कि सारा का सारा मैच ना हमारे ही हाफ में ख़त्म हो गया, मतलब इतना ज़्यादा गैप था कि आई डोंट थिंक USA को इतना ट्राई भी करना पड़ रहा था कि वो ज़्यादा ड्रिबल करे, ज़्यादा रन ले, क्योंकि पूरा का पूरा मैच ही हमारे हाफ में ख़त्म हो रहा था। स्टार्टिंग के कुछ 5 मिनट्स में ही कट इन करने की कोशिश कर रहे थे हमारे लेफ्ट साइड से, और वहाँ थी हमारी कैप्टन असलम, और उन्होंने बहुत अच्छा ब्लॉक किया जो कि गोल किक हुआ। एंड आई थॉट दैट वॉज अ वेरी गुड मोमेंट इन द गेम कि हमने कॉर्नर भी कंसीड नहीं किया, एंड दैट एक्चुअली गेव मी होप कि यार ठीक है जैसे तैसे करके कुछ टाइम तक तो हम गोल कंसीड करने से बचा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक हुआ नहीं क्योंकि फिर से एक कॉर्नर मिला। एक्चुअली तुमको मैं बता नहीं सकती कितने कॉर्नर्स मिल रहे थे USA को, एंड बहुत ज़्यादा अटैक वो अपने राइट हैंड साइड से कर रहे थे, मतलब कुछ 3-4 कॉर्नर्स उनको राइट से मिले, एंड बहुत सिमिलर गोल्स हुए सेट पीसेस से। तो ये जो पहला गोल हुआ उनका वो भी सेट पीस से हुआ, तो कॉर्नर था और वो कॉर्नर हम बिल्कुल ढंग से डिफेंड कर ही नहीं पाए, मतलब वो एक गोल था जो हम रोक सकते थे, थोड़ा और पुश करते टाइम को, अपने हाथ में टाइम रखते ताकि हम भी थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश करते और फिर देखते हाउ द गेम टर्न्स। इवन दो द क्वालिटी डिफरेंस सीम्ड इमेंस बिटवीन द टू टीम्स, देर इज़ अ USA टीम दैट इज़ सो सो गुड, दे हैव एक्सपीरियंस, एंड वाई एम आई सेइंग दैट, इवन दो दे आर यंग एज वेल, जैसे हमारी लड़कियाँ यंग हैं वो भी यंग लड़कियाँ खेल रही हैं उधर, लेकिन एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि जो कॉमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे विच आई अग्री टू, दे वर टॉकिंग अबाउट द कल्चर ऑफ द गेम एंड दे हैव दैट, वी नो हाउ गुड USA की सीनियर टीम इज़, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो उस तरीके का कल्चर है यार उन विमेन में, उन लड़कियों में व्हेन दे वर प्लेइंग देयर। लेकिन हमारे में वो कल्चर कहाँ से आएगा जब हमने 2016 से ही इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू किया है, और अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप में हमारा पहला एंट्री है इस बार, तो जिसकी वजह से थोड़ा टाइम तो लगना ही था, और एक्सपीरियंस टीम्स के अगेंस्ट जब खेलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे गलतियाँ, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होंगी ही। तो इस तरीके से हमने पहला गोल कंसीड किया। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट आपको बताती हूँ, इंडिया की टीम में जो टॉलेस्ट लड़की है USA की टीम में इस लड़की से भी 6 लड़कियां और टॉल हैं,
आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ ही हाइट पे डिपेंड करता है गेम में, ये नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो लोग सेट पीसेस ले रहे होते हैं या फिर कॉर्नर्स हैं स्पेशली उस टाइम पे, तो एरियली वो ज़्यादा स्ट्रांग दिखेंगे और वो दिख रहे थे. ऐसे करते करते फिर से थर्ड या फोर्थ कॉर्नर था, फिर से सेट पीस मिला और फिर से हमने गोल कंसीड किया. सो विच शोज दैट सेट पीसेस डिफेंड हम बिल्कुल ढंग से नहीं कर पा रहे थे. हमारी लड़कियां बॉल को आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख नहीं पा रहा था, वो ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे. तो वो होता है ना कि एक जज्बा चाहिए होता है जब तुम इतने बड़े स्टेज पे खेल रहे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि हाँ हम कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी लैक कर रहा था. सो ऑब्वियसली अगर वो इतने टफ कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं तो उनको भी मालूम है कि यार ये ईजी तो नहीं होने वाला, वो क्लियरली विजिबल था. तो ऐसा था जब भी कोई कहाँ पर भी पास कर रहा है, सब मिसप्लेस्ड पासेज हो रहे थे एंड वो रिसीव भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे. द फर्स्ट टच वॉज सो बैड कि क्या होता था, जैसे ही हम बॉल रिसीव करने की कोशिश करते थे, वो अपने आप से अपनी बॉडी से वो इतना दूर था कि उतने टाइम में एक यूएसए की प्लेयर आती थी और वो फिर से बिल्डअप करने की कोशिश करने लग जाते थे. तो फर्स्ट टच हमारा बहुत बहुत ख़राब था. आई थिंक वहाँ से अगर हम थोड़े बेसिक्स ठीक करते ना, हम तब भी थोड़ा कंट्रोल गेम में बना सकते थे. लेकिन क्या कंट्रोल बनाते यार, उतने में ही हमने थर्ड गोल फिर से कंसीड कर लिया. यार अभी तो गेम प्ले शुरू ही हो रहा था, मैं सोचूं इतने में गोल भी होगा, ये हुआ क्या? तो वो एक डिफेंसिव एरर थी. हमारी जो सेंटर बैक हैं पूर्णिमा कुमारी, उनके पास बॉल आता है गोलकीपर से, वो प्ले करने की कोशिश कर रही थी बट शी कुड नॉट फाइंड समबडी टू पास टू, और उतने में उन पर प्रेशर पड़ा फ्रॉम यूएसए फॉरवर्ड. आई थिंक इट वॉज सुआरेस जो उन पर प्रेशर डाल रही थी, आई एम नॉट वेरी श्योर हु शी वॉज. तो वो उन पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने कन्वर्ट कर दिया. तो देखते ही देखते फर्स्ट हाफ खत्म हुआ जिसमें कि हमने 5 गोल्स कंसीड किए. एक अच्छी फिगर नहीं है ऑब्वियसली गोइंग इन टू द सेकेंड हाफ, क्योंकि उनके पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज है. अब हम सिर्फ ये कर सकते थे कि थोड़ा बेटर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें डिफेंसिवली और एक आधा गोल यू नो थोड़ा बोनस पॉइंट जैसा एक कॉम्पनसेटरी गोल एक निकाल सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट 8-0 मैच एंड हुआ है. अब इसी टाइम पे मैं सोचने लगी कि यार मतलब क्या स्टेट ऑफ फुटबॉल है अभी भी हमारा, पर आई डोंट थिंक दैट वी कैन पुट द इंटायर ब्लेम ऑन द टीम और मे बी द कोच, बिकॉज 6-7 मंथ्स में कोई भी टीम जो तैयार की जा रही है, जो कि ये की गई है 7-8 महीने में ही ये पूरी टीम तैयार की गई है. इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली मैचेस भी खेले थे जो कि मैंने अपने इस चैनल पे भी कवर किए थे, जहाँ जहाँ इंडिया खेलने जा रहा था, जो जो फ्रेंडली मैचेस वो खेलने जा रहे थे उसमें भी जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो कुछ ऐसा नहीं था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन आई थॉट दैट मे बी अब तक थोड़ा वो हो जाता है ना कि वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम और मे बी फ्रॉम द प्लेयर्स की हाँ दे नो कि कौन सा प्लेयर कहाँ है, वो किस तरीके से खेल रहे हैं, वो कहाँ पे पास लेना पसंद करेंगे, वो कौन सा मूवमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, वो कौन सा रन लेने की कोशिश करते हैं, वो विजिबल नहीं था. और एक तो चीज़ गलत ये भी होगी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर के साथ हमारा मैच था, तो हम इसमें वैसे ही डरे हुए थे, तो कोई भी जो चीज़ हमने सीखी है, जो हम कुछ प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते, वो हुआ ही नहीं. जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है मैं बस प्रे कर रही थी कि देखो 10 मिनट बस हम गेम को डोमिनेट कर ले, 10 मिनट और कुछ नहीं, क्योंकि उतने में क्या होगा ना हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा गोइंग इनटू द नेक्स्ट मैचेस दैट वी हैव. तो वो 10 मिनट में ये हो जाता कि अगर हम ढंग से डिफेंड करते, बिल्डअप करने की कोशिश करते और अच्छे पासेस करते, डेड बॉल्स पे वर्क करने की कोशिश करते, क्योंकि मिडफील्ड में इतना ज़्यादा स्पेस था फॉर द USA प्लेयर्स स्प्रिंटर्स एक्चुअली टू मेक द रन्स एंड क्रिएट समथिंग एंड जस्ट हिट अस वेयर दे कुड हर्ट अस. दैट इज़ व्हाई आई जस्ट वॉन्टेड अस टू स्टार्ट द सेकेंड हाफ थोड़ा इन अ बेटर वे. ये सब हुआ नहीं क्योंकि वो तो पूरा डोमिनेट कर ही रहे थे, फिर से उनके 3 गोल आगे, एक पेनल्टी हमने कंसीड कर लिया उसके बाद, और देखते ही देखते मैच ख़त्म हुआ. एंड येस वी हैव अ लॉट टू इम्प्रूव ऑन गोइंग इन टू द नेक्स्ट मैच. दे वर 1 or 2 गुड मोमेंट्स बट आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर लिंडा सेट, तो द नंबर 9, आई वॉज वेटिंग फॉर हर टू शो सम मैजिक. लाइक she was one of the most promising player in SAF under 18 championship and the leading goal scorer. उन्होंने 5 games में 4 goals मारे थे, तो मुझे लग रहा था शायद उनके पास अगर एक ball बन के आएगा, जो कि एक बार हुआ था. उनके पास 3 USA की players थी, उनमें से वो cut in करके यू नो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतनी दूर थी अपने गोल से. तो आप सोचो ना, जब मैं बोल रही हूँ कि एकदम पूरा गेम हमारे ही हाफ में ख़त्म हो रहा था, तो जब वो उनको बॉल मिलता है और वो कुछ क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, वो इतना दूर है वो कुछ नहीं कर सकती. और उस टाइम पे आई थिंक उन्होंने नेहा को पास किया था,
तो नेहा ने वहीं से शॉट लेने की कोशिश की. सो नेहा से मतलब नेहा को जितना खेलते देखा है, आई रियलाइज दैट शी इज़ द वन जो काफ़ी लॉन्ग शॉट्स वगैरह लेने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अगर ड्रिबल वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चांस क्रिएट नहीं हो पा रहा, कोई बना के चांस तुमको नहीं दे रहा है, तो इट्स बेटर टू ट्राई फ्रॉम दैट एंगल, फ्रॉम दैट रेंज दैट शी डिड. बट मतलब वो ऑब्वियसली हुआ नहीं, बट अगर हो जाता तो वी वुड हैव गॉन क्रेजी राइट नाउ. बट लेट्स होप कि अगले मैचेस में हमको वो वाला एडवांटेज, वो वाला एक जो स्पार्क है उनमें वो देखने को मिले. आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट टू हैपन, बट चलो वो हुआ नहीं. सो दिस इज़ आर द मैच वेंट. ऑब्वियसली काफ़ी हैवी लॉस है इंडिया के लिए, बट होपिंग फॉर बेटर गेम्स इन द फ्यूचर. एक चीज़ जो हम इस गेम से सीख सकते हैं वो ये है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारी लड़कियों को एक बहुत बड़ा स्टेज मिल रहा है परफॉर्म करने का. इस तरीके से अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता रहे, हम और यूरोपियन, यू नो, साउथ अमेरिकन, अमेरिकन टीम्स के साथ खेलें, काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा. एंड इस हार के बाद द गर्ल्स विल हैव टू गेट बैक ऑन देयर फीट, बिकॉज इज अ कॉम्पिटिशन. वन टीम विल लूज एंड वन टीम विल विन. वी हैव टू मूव ऑन एंड स्टार्ट अफ्रेश टू प्ले अगेंस्ट द नेक्स्ट टीम. दैट्स वॉट वी हैव टू डू. इट्स गुड दैट दे लर्न दैट मेंटालिटी, दे लर्न दैट एट अ वेरी यंग एंड टेंडर एज, ताकि मूविंग अहेड इन देयर लाइफ दे कैन मेक इंडिया प्राउड एंड बी इन द सीनियर विमेन्स नेशनल टीम. And we would see the changes, hoping to see the changes. Baki, do let me know in the comment section below ki kya tumne stadium mein jaake match dekha tha aur kya vibe tha wahan ka. Would love to know ki wahan pe exact situation kaisi thi, kyunki anyway jab bhi hum screen se dekh rahe hote to kuch zyada pata nahi chalta. To agar aap log gaye the to please comment section mein zarur bataye ki kya experience tha aur kaisa raha ladkiyon ko khelta dekhte. That is it from me today. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.